तो आइए आपको लेके चलते हैं ग्राम महिनाथपुर ब्लॉक कोढ़ा जिला कटिहार, जहाँ पे कि आलू का प्लॉट है जिसमें ग्रोफिट का यूज़ किया गया है। तो आपको मिलाते हैं किसान से और खुद उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे ग्रोफिट का यूज़ किया, कब किया, कितने दिन का आलू हुआ, कितने दिन पे उन्होंने ग्रोफिट का यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं ग्रीन ग्लोब इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, और सबसे पहले हम मेरा नमस्कार सर आपको। नमस्कार आपका भी। तो सबसे पहले ये सर अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ आनंद कुमार जी, घर मैनाथपुर, थाना कोड़ा, जिला कटिहार, पोस्ट सिसिया का रहने वाले वासी हैं। तो आपने ग्रोफिट का यूज अपने आलू में किया हुआ है? हाँ, आलू में किए 45 दिन में। फर्स्ट पहला डोज आपने 45 45 दिन में, दूसरा डोज 55 दिन पे मारे। और आपका आलू कितना दिन का हो गया? 65 दिन का। आज 65 दिन का हो गया, 65 दिन के बाद आलू निकल रहा है। निकल रहा है। तो अभी सर ये जो आलू आप देख रहे हैं, ये सब साइज जो आलू का निकला हुआ है, ये कैसा लग रहा है ग्रोफिट डालने के बाद? नहीं, आलू का साइज तो ठीक है, लेकिन और 5 दिन रोकते थे तो और 5 दिन रोकते, वो हम लोग भी कहते हैं कि अगर 5 दिन रोक देते तो आलू बढ़िया, आपका जो साइज देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा यील्ड देता। तो ये सर कितने का प्लॉट है पूरा आपका खेत? ये 17 कट्ठा का प्लॉट है। 17 कट्ठा का प्लॉट है, 17 कट्ठा का प्लॉट है। तो इसमें बताइए कि कैसे कैसे खाद क्या क्या दिए, ग्रोफिट में कब दिए? 3 बैग DAP, 40 किलो पोटास, 2 किलो बोरन और 3 किलो फेराडोन, ये मत समझिए। कैल्शियम भी दिए? कैल्शियम मिट्टी चढ़ाने में दिए 20 kg। तो यूरिया 1 kg भी नहीं दिए। अभी आलू अगर 5 दिन छोड़ते तो ज़्यादा ही यील्ड, इसका 5 दिन छोड़ने पे 20-25 पैकेट अधिक उखड़ता। 20-25 पैकेट अधिक। तो ये ग्रोफिट के बारे में आप जितने किसान भाई हैं, ये वीडियो पूरा बिहार में चलता है, हर जगह चलता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रोफिट? नहीं, ग्रोफिट एक बढ़िया चीज़ है। मैंने मक्का में भी डाला है, उसका भी रिजल्ट बढ़िया है। मक्का में भी आप डाले? हाँ, मक्का में भी स्प्रे किए हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। और इस सबसे पहले यह कालापन करता है, पौधा तंदुरुस्त करता है। मतलब अभी तक उखड़ रहा है लेकिन पौधा आलू का हाँ हरा भरा लगता है, 40-50 दिन का पौधा है। तो ये सर एक कट्ठा में आपका आलू जिस हिसाब से निकल रहा है, क्या होना चाहिए यील्ड, क्या होना चाहिए उत्पादन? उत्पादन देखिए, यह बीज पे निर्भर है। यही मेरा बीज जलंधर रहता जी तो हम 6-7 पैकेट उखाड़ते। यह मेरा बंगाल पोखरा जी, जिस समय लोग 5200 रुपया में बीज खरीद रहा था, हमने 3500 रुपया क्विंटल बीज खरीदा सिर्फ। यह मेरा फिर भी जो है, और इसके हिसाब से उपज कितना होना चाहिए एक कट्ठा में? इसके हिसाब से अभी तो मोटा मोटी मान के चलिए कट्ठा में 5 पैकेट होना चाहिए। 5 पैकेट होना चाहिए? हाँ, 5 पैकेट होना चाहिए। अनुमान अभी पैकेट में हुआ नहीं भी है। आपका क्या नाम हुआ सर, अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार और घर मैनाथपुर थाना कोड़ा जिला कटिहार का निवासी जी। ये कैसा लग रहा है आपको प्लॉट? प्लॉट बहुत अच्छा लग रहा है। आलू का साइज देख के कैसा लग रहा है ग्रोफिट डालने के बाद? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये सबसे इसका एक खासियत देख सकते हैं कि आलू निकलने के टाइम तक पौधा को ये हरा भरा रखता है। हरा भरा रखता है, उस आलू में भी इसका चमक है, क्वालिटी है आलू में, क्वालिटी है। तो ये आपके हिसाब से इसमें उपज कितना होना चाहिए एक कट्ठा में? ये 6 पैकेट भी जा सकता है, क्योंकि जब बोरी में होगा जी, उसके बाद भी बोरी में होने के बाद पता चलेगा। ये तो वजन होने के बाद ही एक्चुअल वास्तव में पता चलता है कि उपज कितना हुआ, कितना हुआ। अपना क्या नाम हुआ? अच्छा, बोला ना, मुर्ते जालम गाँव मूसापुर। तो आप ये आलू के प्लॉट देख रहे हैं, आलू निकल रहा है, इसमें जो आपके हाथ में डब्बा है ग्रोफिट, यही यूज किया गया है, यही प्रयोग हुआ है। तो ये आलू का साइज देख के आपको इस दवाई डालने के बाद क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये सब फसल में डाल सकते हैं, मक्का है, आलू है, और जो सब्जी है उसमें भी डाल सकते हैं। हम केला में भी यूज किए, केला में भी यूज किए, केला में भी यूज किए हैं यही। अरे हम लहसुन रोपे थे थोड़ा सा, पौधा निकलवे किया था। ए बगल आजा, ए गांध बेटा इधर आजा। तो हम लहसुन में स्प्रे मार दिए थोड़ा सा,
मेरा लहसुन का रंगत चेंज हो गया, जैसे पौधा निकल रहा है एक पत्ता निकलता है ना, तो हम काम करने के लिए थोड़ा ग्रो फीड मार दिए दो चार पंप। तो सर ये क्या है कि हम लोग बताते हैं कि सारी सब्जियों के लिए सभी फसल के लिए, तो सुनिए हम आपको बताते हैं, आपके पास मक्का है, मक्का है तो आप मक्का में ग्रो फीड लेके डब्बा इसी साइड का रहेगा जहाँ से मिले कहीं से दुकान पे, अरे मिल जाएगा मेरे यहाँ हर जगह मिल जाएगा, तो इसको आप एक बार यूज कीजिए खुद, उसके बाद आपको इसका क्या फायदा है आपको खुद पता चलेगा। ऐसे डब्बा पे हम लोग के कंपनी का लिखा होता है कि ग्रो फिट दे ज़्यादा प्रॉफिट, हिंदी में इसका होता है ग्रो फिट दे ज़्यादा प्रॉफिट, मैंने डालने के बाद कहीं से इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि हर जगह से आपको फायदा ही फायदा नजर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, अब आप लोग अपना भी काम देख सकते हैं।